दोस्तों आज की डेट में सब चाहता है कि अपना क्रेडिट कार्ड का बैलेंस फ्री में सेविंग अकाउंट में आ जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। सो गाइस मैं बता दूं कि अभी एक ट्रिक चल रहा है, ये ट्रिक की मदद से अगर आप फ्री में ट्रांसफर करना चाहते हैं कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, ऐसा नहीं कि सिलेक्टेड क्रेडिट कार्ड हो, जो क्रेडिट कार्ड में आपको कैशबैक मिलता है वो कैशबैक भी मिल जाएगा और साथ ही साथ जिसमें रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है वो रिवॉर्ड पॉइंट भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि फ्री में मनी ट्रांसफर कर लूँ तो आपसे कर सकते हैं। पहले आपको एक मैसेज दिखाता हूँ, वो मैसेज आप देख लीजिए। दोस्तों ये मैसेज है, आप देखेंगे जैसे आप देखिए, सबसे फर्स्ट में आप कोटक बैंक देखेंगे, बैंक ऑफ इंडिया देखेंगे, यूनियन बैंक देखेंगे, ICICI बैंक देखेंगे। जैसे अभी हम चार बैंक में एक एक रुपया क्रेडिट किया हूँ, यानी अगर मान लीजिए हमको चार रुपया चार्ज लगने वाला है तो मैं चारों बैंक में एक एक रुपया ले लिया हूँ, यानी चार रुपया हमारे अकाउंट में आ चुका है। अभी हम जो चार्ज लगने वाला, जैसे मान लीजिए अगर आप 100 रुपया ट्रांसफर करते आपको कितना चार्ज लगेगा, 1 रुपया लगेगा। बट हमारा तीन बैंक में जो पैसा आया है या चार बैंक में जो आया है पैसा, यानी 4 रुपये हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो आप सभी ये पैसा ले सकते हैं पहले ही, उसके बाद चाहेंगे तो अपने क्रेडिट कार्ड मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे करना है चलो पूरा प्रोसेस दिखा देता हूँ। गाइस बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए आपको आना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर में, गूगल प्ले स्टोर में आइएगा, नहीं तो मैं आपको एक एप्लीकेशन का लिंक डाल दूंगा जिसका नाम है फोनपे एप्लीकेशन। फोनपे एप्लीकेशन में इससे पहले बहुत सारा ऑप्शन था, जैसे कि हम सब वॉलेट से थ्रू भी मनी ट्रांसफर करते थे और साथ साथ हम रेंट पेमेंट के थ्रू भी करते थे, उसके बाद हम लोग क्या करते थे एजुकेशन पेमेंट सिस्टम के थ्रू भी मनी ट्रांसफर करते थे। बट इसमें एक और नया ऑप्शन डाल दिया गया है, उस ऑप्शन के थ्रू भी आप अगर मनी ट्रांसफर करते हैं तो आपसे पहले कैशबैक ले लीजिए, यानी वेरिफिकेशन करने का जो अमाउंट आता है अकाउंट में वो आप ले लीजिए, उसके बाद चाहते हैं कि अपना बैलेंस ट्रांसफर करूं अकाउंट में तो आप कर लीजिएगा। तो सबसे पहले फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करता हूं, ओपन करने के बाद आप मेरा फोन पे एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, ओपन होने के बाद आप नीचे में आइएगा, नीचे में आने के बाद यहां पे ऑप्शन आपको दिख रहा है एजुकेशन पेमेंट यानी फी, एजुकेशन फी पे आपको क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आपको सबसे पहले आपको गाइस आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। अभी आपको सिलेक्ट करना है ये वाला ऑप्शन, सेंड फी अमाउंट डायरेक्ट टू इंस्टीट्यूट बैंक अकाउंट ऑप्शन आपको दिख रहा है, जिसमें नीचे में क्रेडिट कार्ड और एनी स्कूल कॉलेज का भी ऑप्शन दिया गया है, तो आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करेंगे। उससे आपको कितना अमाउंट का जरूरत है आप उतना अमाउंट इधर पहले आप डाल दीजिए, ठीक है, जितना अमाउंट आपको जरूरत रहेगा उतना अमाउंट आप इधर पहले फिक्स कर लीजिए। उसके बाद इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे तो कुछ भी आप इधर नाम डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको जो इधर रीजन सिलेक्ट करना पड़ता है, आप रीजन में इधर डाल देना आपको कॉलेज फी वाला ऑप्शन डालना है, ठीक है, कॉलेज वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा, उसके आपको सेंड पे क्लिक करना है। यहां पे ऑप्शन आपको दिखाई देता है बैंक अकाउंट का ऑप्शन, बैंक अकाउंट का ऑप्शन ये होता है कि अगर देखिए आपके पास 5, 6 या 7 अकाउंट रहेगा ना, तो पहले आप इसमें क्या कीजिए फोन पे एप्लीकेशन पर अकाउंट को ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद इस पे क्लिक करना है। चलो हम इस पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट नंबर सब शो होता है, आप देखेंगे मेरा जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी मेरे नाम से 7 अकाउंट चलता है, तो 7 अकाउंट इधर शो हो रहा है। तभी हमको 7 रुपया अकाउंट में लेना है, कैसे लेना है इस पे आपको क्लिक करना है, फर्स्ट बार इस पे क्लिक कीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए एक ऑप्शन आपको दिखाता है वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, यानी इन प्रोग्रेस में क्या है और यहां पे फेल्ड दिखाता है, यानी फेल्ड हो गया आपको जो है बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। आपका बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आपको यहां पे 1 रुपया यानी जो एक क्रेडिट होता है ना पहले भी आपको अकाउंट वेरिफिकेशन करने के लिए वो आपके अकाउंट में 1 रुपया आ जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है, ये अकाउंट में 1 रुपया आ चुका है, अभी आप क्या कीजिएगा चेंज पेमेंट मेथड पे क्लिक कीजिए। इस पे क्लिक करके फिर से बैंक अकाउंट पे क्लिक करने का अभी आपको सिलेक्ट कर लेना है यूनियन बैंक, जैसे आपके पास जितना बैंक रहेगा वो बैंक सिलेक्ट कीजिए। तो फिर से ये इन प्रोसेस यानी वेरिफिकेशन होता है, फिर से फेल्ड होगा तो फिर से आप अकाउंट में 1 रुपया आ जाएगा, फिर से आपको यही करना है। उसके जैसे मैंने देखिए मेरा और अकाउंट है, ये सब अकाउंट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मेरा एक पेटीएम का बैंक है तो मैं इस पर भी क्लिक करूंगा, इसमें भी मेरे अकाउंट 1 रुपया आ जाएगा। ऊपर देखें हमको मैसेज आ रहा है फटाफट कि आपके अकाउंट में 1 रुपया आ चुका है, फिर से ये फेल्ड होगा, इसी तरह से फेल्ड होता रहेगा और आप जो 1-1 रुपया अकाउंट में आता रहेगा, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से अकाउंट में पैसा ले लीजिएगा, उसके बाद करना क्या आप वो दिखाता हूँ, ठीक है। चलो कोटक बैंक में 1 रुपया ले लेता हूँ क्योंकि ये बैंक अकाउंट में पहले ऐड नहीं किया था। सो गाइस कुछ इस तरीके से आपके अकाउंट में 1-1 रुपया आ जाएगा। 1 रुपया आने के बाद करना कि आपको बाइक आ जाना, ठीक है। यहाँ पर आपको फिर से आप यहाँ पर देखें कॉलेज फी वाला ऑप्शन जो हम सिलेक्ट किए थे ना, इसको हमको चेंज करना है, यहाँ पर हमको कर देना है ट्यूशन फी वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, इस पर करना है और कैंटूनी पर क्लिक करना है। कैंटूनी पर क्लिक करने में यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलता है, फोन नंबर, अकाउंट नंबर और यहाँ पर UPI का ऑप्शन दिखता है, तो आपको UPI वाला आप सिलेक्ट कर लेना है। आपके पास जो भी बैंक का UPI अवेलेबल रहेगा आप वो UPI यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैं एक UPI सिलेक्ट कर चुका हूँ। सो गाइस मैंने अपना एक UPI डाल दिया हूँ, आपको कैंटूनी पे क्लिक कर देना है। कैंटूनी पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जैसे हम 9000 रुपया ट्रांसफर करने वाले, तो इसके ऊपर हमको कितना चार्ज लगने वाला है 135 रुपया, ठीक है। 135 रुपया हमको 9000 के ऊपर लगने वाला है। बट अगर आपको जैसे कोई क्रेडिट कार्ड ऐसा लगता है जिसमें हमको कैशबैक मिलता है, तो ये हम लोग क्या, जैसे हम 9 बैंक अकाउंट इसमें ऐड किए थे या 7 किए थे, हमको 7 रुपया पहले मिल चुका है तो वहाँ पर 7 रुपया माइनस कर दीजिए। अभी आपको कैशबैक भी मिलने वाला है तो वो भी आपको दिखा दो। जैसे भी हम इधर सेलेक्ट करने वाले हैं, यानी SBI बैंक का जो मेरा जो क्रेडिट कार्ड है ना वो हम इधर सेलेक्ट करने वाले, तो ऐड कार्ड पर क्लिक करता हूँ। तो पहले आप कार्ड नंबर इधर ऐड कर लीजिए, ठीक है। ऐड करने के बाद आपको नया प्रोसेस आगे करना है।
सो गाइस मैं यहाँ पर अपना सीवीवी कोड डाल चुका हूँ, कार्ड नंबर भी डाल चुका हूँ। अभी हम एड न्यू कार्ड पे क्लिक करते हैं। एड न्यू कार्ड पे क्लिक करते हैं, सबसे फर्स्ट में यहाँ वो कार्ड दिख जाएगा। तो आप यहाँ पे जो है सीवीवी कोड दोबारा भी डाल सकते हैं, अगर आप नहीं डालें तो कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। आप पे क्लिक कर दीजिए, पे क्लिक करेंगे ये सब प्रोसेसिंग में जाएगा। सो गाइस उसके बाद आप देखेंगे तो आपका जो पेमेंट प्रोसेसिंग जाएगा, फिर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको डालना है, सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ये जो पेमेंट है आपको इंस्टेंटली सक्सेसफुल हो जाएगा।